बस कर दे, आपको अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे। मेरी पहले इतनी तसलील हो चुकी है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, सुकून से रहने दे मुझे। मुझे कोई लगाव नहीं आपके बेटे से, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, मेरी तरह से भाड़ में जाए वो। बहुत बुरा किया तुम दोनों ने, बहुत बुरा किया तुम दोनों ने। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों इतनी थड़कला हरकत कर सकती हो। क्या सोच रही होगी वो बेचारी? बेचारी नहीं है वो, उसी की वजह से आपका बेटा नवाल को मुंह नहीं लगा रहा। जब से नवाल को इन सब बातों का पता चला है, वो डिस्टर्ब होकर रह गई है। इसीलिए आप दोनों ने सोचा कि उसका घर भी डिस्टर्ब कर दिया जाए। ये सोचा है कि अगर उसके पास उसका शौहर होता, उसकी सास ये बातें सुन लेती, तो उस बिचारी का क्या हशर होता। अगर उसका घर बर्बाद हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारी भी दो बेटियां हैं और तुम उनसे जितना प्यार करती हो ना, तो वो यतीम लड़की के माँ बाप भी उससे उतना ही प्यार कर सकते थे। आपको इतना संगदिल और बेरहम नहीं होना चाहिए। आप इतने अच्छे खानदान की इतनी खूबसूरत लड़की हम जोहेब के लिए लेकर आए, उजाला की वजह से वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रहे? अमीर है, खूबसूरत है, इसके अलावा क्या है? और तुम उससे कितना खुश हो ये मैं जानता हूँ। आते ही उसने तुम सबको दीवार के साथ लगा दिया। और ये जोहेब नवाल की तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहा ना, तो इसमें उजाला का नहीं नवाल का अपना कसूर है। तुम्हारी वजह से मजबूर होकर जोहेब इस शादी के लिए राजी हुआ, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी उसने। अगर उसको ये पता लगेगा कि तुमने उजाला की कितनी इंसल्ट की है, तो कितना हर्ट होगा वो। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूं कि उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी।